तेज रफ्तार ने आज फिर एक युवक की जान ले ली। युवक मोटरसाइकिल से अपने ससुराल जा रहा था, तभी पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर से घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगाकर झांसी मिर्जापुर मार्ग पर आवागमन बाधित कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ सीओ सदर ने किसी तरीके से समझा बुझा कर जाम खुलवाया। शव का पंचायतमा पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बता दें कि पूरा मामला मिर्जापुर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग का है, जहां शहर कोतवाली के डिंगवाही गांव के नजदीक एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार शहर के मर्दन नाका मोहल्ला रहने वाले अनिल कुमार को जोरदार टक्कर मारी। मृतक अनिल मोटरसाइकिल से अपनी पत्नी को लेने डिंगवाही जा रहा था, तभी गांव के समीप तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार अनिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को हुई तो मौके पर सीओ सत्य प्रकाश शर्मा भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। उन्होंने मृतक के ससुराल पक्ष ग्रामीणों को समझा बुझा कर काफी मशक्कत के बाद किसी तरीके से जाम खुलवाया। हमारा दौलत है, उसकी बुआ है, कानपुर से आए हैं। अच्छा, कैसे एक्सीडेंट हो गया है? अभी यही आया, ये ससुराल है ना, अभी घर से आया है, उसकी औरत यही थी। अच्छा, घर से आए थे ससुराल अपने? हाँ। तभी रास्ते में एक्सीडेंट हुआ? नहीं, ये कहाँ ससुराल है। अच्छा, कैसे एक्सीडेंट हुआ है? अभी ये नहीं मालूम, लोग चार पहिया से। अच्छा, इसका क्या नाम है, कितनी उम्र? अनिल नाम है। अनिल की कितनी उम्र है? 30 साल। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मर्दन नाका कलाउद मोहल्ला बांदा जिला। क्या इनकी शादी हो चुकी है? कितने बच्चे अच्छे भी हैं?